ऑल दो मैंने बहुत जल्दी जल्दी शूट किया है, आप लोग यकीन नहीं मान। सो गाइस दिस एक तो चुप जाश मेरे सामने 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 8 लोग खड़े हुए हैं। आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। Hi guys, good evening and again welcome back to my channel Selling Tips with Pooja. This is me, your Pooja, and welcome back to another exciting video, guys. So आज की वीडियो में बहुत बहुत फटाफट से बातें करने वाली हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक चिट चैट गेट रेडी विद मी। आई लिटरली डोंट नो कि वीडियो में आगे जाके मैं किस तरीके की हिंदी में बात करूँगी, किस तरीके की मैं इंग्लिश बोलूँगी, कितनी बार मैं बंगाली इंक्लूड कर दूँगी, बट स्टिल आज सब कुछ चीज़ें माफ़ कर देना, क्योंकि इतनी टाइट शेड्यूल में भी मैं ये चीज़ आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जिस तरीके की एक लुक सोचा है वो मेरे मन में काफी दिनों से था एंड फाइनली जाके आज वो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। दैट्स व्हाई, वरना लाइक काफी ज्यादा लेट हो चुके थे हम, मतलब हो नहीं पाता मुझसे ये चीज। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो इसे स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले मेकअप तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले स्किन केयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Want that perfect glow every day? Introducing the Dermacos Cica Glow range that is packed with cica extract that gives you the perfect glowing skin. 80% of consumers found improvement in their skin glow after using 10% Cica Glow face serum. The fragrance-free formula absorbs in no time and makes the skin supple and glowing. Now let's talk about the hero ingredients. So it has cica extracts that has great moisturizing properties, help in the synthesis of hyaluronic acid and provides dewy and glowing skin. Now let me quickly show you how to use this range. So first thing first, for the 2% Cica Glow daily face wash, on a wet face apply a generous amount of face wash in a gentle upward circular motion, rinse thoroughly with lukewarm water and gently pat dry. Next step is 10% Cica Glow face serum. Apply 3 to 5 drops of the serum on your entire face and neck, massage gently until it completely absorbed. Last but not the least, for the 5% Cica Glow moisturizer, apply an adequate amount of the moisturizer on your face and neck, gently massage it until it totally absorbed. You can follow this regime on a daily basis to get a better result. Guys, I will definitely recommend you to wearing a broad spectrum sunscreen while using these kind of active ingredients and do a patch test before you try these products. Now, if you want to try this out, just check out my description box for the links, and also please do not forget to use the coupon code POOJA2022 for an additional 20% off at Dermaco's website. And last but not the least, every time you buy from Dermaco, Dermaco will link your order to a child that they help educate along with Bhumi. They have pledged to help 10,000 plus students across the year, so please help them as much as you can. तो स्किन केयर हो चुकी है कंप्लीट, नाउ चलो अभी मेकअप को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ मॉइस्चराइजर, एंड आज मेकअप करते करते मैं बहुत ही कम समय में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरी ये जर्नी। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ आज कैसा गया पूजा, बहुत ही अमेजिंग गया। जिस तरीके से क्या कहते हैं जोगो को हिंदी में क्यों बोले, मतलब जोगो को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, होम जो होती है, इतना अच्छा हुआ, वो एक अंदर से शांति मिली एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि फाइनली सब कुछ ठीक तरीके से हो रहा है। लेकिन ऑल दो मेरे साथ एक ख़राब चीज़ हो गई है, मुझे आज मेरी जो फेशियल हेयर है उसे रिमूव करना था, लेकिन मतलब मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे मेरे लिए, लेकिन जब वो प्रोडक्ट्स आए वो किसी और एक लड़की की नाम से थी। एंड आपको पता है मुझे क्या क्या रिसीव हुआ, मुझे रिसीव हुआ डेरी मिल्क की दूध, देन सूजी रवा, देन उसके बाद रिसीव हुआ एक माजा काम की चीज़ है, उसके बाद रिसीव हुआ आटा एंड शायद और दो ऐसी चीज़ जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को लेके इतना हंसी मजाक हुआ, सब लोग कह रहे थे कि अभी तो दुबली पतली लगती है वीडियो में, तो किसी एक सब्सक्राइबर ने तुझे देखा एंड उनको बहुत ख़राब लगा,
तो इसलिए एक हॉर्लिक्स के लिए शायद तुझे किसी ने खाना भेज दिया, बस तो इसी चीज को लेके वो अभी लिक पुल कर रहा था एंड इतना खराब लगा। बाद में जाके पता चला कि मैंने अपने लिए जो चीज़ ऑर्डर किया वो तो आया ही नहीं, उसके बदले मुझे ये सभी प्रोडक्ट्स रिसीव हो गया। ठीक है, मैं आज बहुत हेवी मेकअप नहीं करूँगी, बस थोड़ी सी फाउंडेशन अप्लाई कर देनी है एंड मैंने एक 1060 का मेकअप स्पंज लिया था मेरे लिए, ब्यूटी ब्लेंडर। जिंदगी में पहली बार इतनी महंगी, पिकलू ने खा लिया उसे, मतलब अंदर नहीं गया उसकी लेकिन चबा डाला। व्हाटएवर, जो मैं कह रही थी, तो बहुत सारे लोग थे मॉर्निंग से, थोड़ी सी बारिश भी हुई, मतलब सब कुछ मिला के अच्छा जा रहा है अब तक। अभी रात में पापा की ऑफिस की सभी लोग आने वाले हैं, देन मेरी कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, मेरी कुछ फ्रेंड्स आके चले भी गए क्योंकि उनको कहीं और पे शादी वगैरह अटेंड करना था, इसी वजह से लाइक होप फॉर द बेस्ट कि आज का दिन ठीक तरीके से निकल जाए, सब लोग अच्छे तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट कर पाए, यही बस दुआ करते हैं। फेस में थोड़ी छोटी मतलब छोटी छोटी ना फेशियल हेयर है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है घर में ही हूँ तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। कंसीलर वगैरह कुछ भी नहीं, बस जितना मिनिमल हो सके, साथ ही साथ अच्छी लग सकूँ बस उतना ही करना है। वैसे भी जाना तो कहीं पे भी नहीं है इसीलिए। लेकिन एक चीज़ तो मैं बहुत मानती हूँ कि आप रेडी हो रहे हो उसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है आपका ज्वेलरी। अगर आप ठीक तरीके से ज्वेलरी वगैरह पहन लो ना, और कुछ नहीं लगता है। तो अभी मैं फिल कर लूँगी मेरी आईब्राउज, और मेरी आईब्राउज भी शेप में नहीं है। अभी लगता है कि मुझे थोड़ा सा पार्लर जाना होगा क्योंकि शेप काफ़ी बिगड़ चुका है, तो मैं बस सिंपली बहुत नेचुरल तरीके से इसे फिल करने की कोशिश करूंगी। ऑल तो छोटे 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 हेयर्स है, तो जितना लाइट हैंडेड हो सके ताकि ओवर द टॉप ना लगे वो चीज। एंड गाइस, होपफुली जो घर पूजा की ब्लॉग होगी वो इसके बाद ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ आप लोग देखना एंड ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, मेरी घर कैसा लगा। मतलब प्रॉपर होम टूर नहीं है लेकिन जितना भी आप देख पाओगे, अभी बहुत सारे लोग कह सकते हो कि दीदी आप होम टूर क्यों नहीं दे रहे हो, होम टूर क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि अभी बहुत सारी फर्नीचर्स वगैरह आना बाकी है, थोड़ी सी और ठीक करना बाकी है, कर्टन वगैरह अब तक नहीं लगा है, तो सभी चीज़ों को मिलाते हुए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जितनी जल्द हो सके मैं शेयर तो करूँगी एंड जब शेयर करूँगी तब आपको पता तो चल ही जाएगा। ठीक है, आई शेडो के लिए मैं ये वाली गोल्डन शिमर शेड को पिक कर रही हूँ, बस पूरी आईलिड पे पैट कर देनी है ताकि वो एक ब्यूटीफुल सा एक वो शेड आए। कुछ ऐसा एंड देन एक ब्रश लेके इसे बस थोड़ी सी ब्लेंड आउट कर देनी है। आई गेस कि मतलब जो लोग खाना बना रहे हैं उन लोगों का खाना बनाना कंप्लीट हो गया है एंड कैटरिंग की जो लड़के आने वाले हैं वो भी आ चुके होंगे अब तक। आज बहुत बहुत प्रेशर गया मेरे ऊपर से, मम्मी के ऊपर से, बॉबी के ऊपर से, मतलब आवाज़ नहीं निकल रहा है अभी। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, बस थोड़ी सी ब्लेंड है। ओके, अभी मैं सिंपली मोटी मोटी करके दो लाइनर अप्लाई कर लूँगी। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की काजल दिया था लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा, तो बारी आती है सिंपल सा मेरी सिग्नेचर आईलाइनर की। इट विल कॉर्नर पे भी मैंने अप्लाई किया है लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी लग गई है।
ठीक है, बाद में उसे देखा जाएगा। दोनों विंग्स अभी ठीक ठाक मतलब सेम ही होंगे। अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ काजल, ताकि मेरी जो आई बैग है वो और थोड़ा सा ब्रॉड लगे। वैसे भी काफ़ी बड़ी बड़ी आँखें हैं, बट फिर भी जिसके पास जो होता है उसको वही चीज़ और चाहिए। एंड थोड़ी सी इनर कॉर्नर में, लाइक जहाँ पे मैंने इसे अप्लाई किया है सिर्फ और सिर्फ वही तक। इससे क्या होता है, अगर आपकी लाइनर यू नो निकल के भी आता है तो बाकी की मतलब काजल जो है वो इस चीज़ को ना मेकअप कर देता है। एंड बीच में थोड़ी सी वाइट काजल अप्लाई करूँगी, वरना आईज जो है पॉप अप नहीं होगा। हो चुकी है, नाउ मस्कारा अप्लाई कर लूँगी अच्छी तरीके से 3-4 कोट, क्योंकि फॉल्स लैशेस अप्लाई नहीं करना। मुझे ये ब्लाउज पसंद नहीं आ रहा, बार बार बॉडी से फिसल रहा है। अभी आईब्रोज जो है वो ना काफी पाउडरिश नजर आ रही है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ थोड़ी सी आईब्राउ वैक्स, और इसके ऊपर से किसी भी तरीके से अगर थोड़ी सी भी एक कवर कर पाऊँ तो इसीलिए मैं इसे दे रही हूँ। नाउ ये थोड़ा सा बेटर है। अभी फेस को कर लूँगी कॉन्टोर, और सबसे अच्छा जो चीज़ मुझे लगा वो था, हमारी बंगाली लोगों में एक प्रसाद होती है जिसे हम लोग शिमनी कहते हैं। पहली बात तो ठीक तरीके से खाना वगैरह पेट में जा नहीं रहा था काफ़ी दिनों से, मतलब आप सोच लो 3-4 दिनों से। एंड आज इतने दिनों के बाद स्वीट्स खाने को मिला, तो जब मैंने खाया ना इतना अच्छा लगा। उसके बाद जब खाने के लिए मैं गई, तकरीबन 4:30 आपको वो ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा, तब पेट में कुछ नहीं जा रहा था। लाइक लिटरली इतने दिनों के बाद स्वीट्स मैंने टेस्ट किया। तो यहाँ पे कॉन्ट्रोल हो चुकी है, अभी फेस थोड़ा सा चिजल दिखने लगेगा। नोज पे भी मैं कर लेती हूँ दूसरी एक ब्रश की मदद से। गाइस दूसरी ब्रश मैंने ले लिया है, एंड मेरी चपटा नाक को अभी शार्प बनानी है, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। अभी थोड़ी सी पाउडर लेके मेरी जो नोज टिप है, लाइक ब्रिज ऑफ द नोज, वहां पे मैं इसे सीधी तरीके से अप्लाई कर लूंगी, ताकि थोड़ा सा हाईलाइटेड लगे like this, and इस सेक्शन पे थोड़ी सी कवर कर दूंगी ताकि नोज जो है कुछ शेप में आ जाए। हो चुकी है, बारी आती है ब्लश। ऑल्सो मैं लेट भी हो चुकी हूँ, मैं यहाँ पे आज एक बहुत ही प्रिटी सा ब्लश यूज करूंगी। ज्यादातर मैं क्या करती हूँ, कुछ मॉवी काइंड ऑफ ब्लशेस वगैरह यूज करती हूँ, लेकिन आज मैंने पिंक को चुना है। क्यों चुना है वो मत पूछो, बस चुना है तो अप्लाई करना है। एंड ये ब्लश मुझे पसंद आने लगा है सच्ची में। अभी मेकअप जो है उससे फिक्स कर देनी है, थोड़ा सा टाइम देना है। अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ हाइलाइटर, और मेरी जो यूजुअल पॉइंट्स है लाइक ब्राउ बोन, मेरी ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन, एंड थोड़ा सा हाथों की मदद से मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी। आज की मेरी जो आउटफिट है वो गोल्डन एंड लाइक व्हाइट में, मतलब व्हाइट के कॉम्बिनेशन में है, तो मैंने इसीलिए इस लुक को सोचा था। लाइक दिस इज काइंड ऑफ लाइक माय लुक, मैं इस तरीके की रेडी होना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जब भी मुझे कहीं पे जाना होता है, या फिर अगर मैं बहुत ही क्लोज किसी का कुछ ओकेजन वगैरह यू नो अटेंड कर रही हूँ। तो हाथों की मदद से मैंने ब्लेंड कर दिया है।
नाउ मेकअप ऑलमोस्ट हो चुकी है कंप्लीट। एंड मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगी क्योंकि हाइलाइटर वरना बहुत ज़्यादा चौकी लगेगा। एंड इसे हम इस तरीके से ही छोड़ देंगे। बारी आती है लिपस्टिक। सबसे पहले मैं एक डार्क कलर की लिपस्टिक की मदद से मेरी लिप्स को आउटलाइन कराऊंगी। ये भी अच्छा लग रहा है लेकिन इतनी डार्क शेड मुझे अप्लाई नहीं करना, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता। काफ़ी ज़्यादा ओवर द टॉप एंड वाइब्रेंट लगने लगता है। फिर थोड़ा सा सटल डाउन करने के लिए मैं एक न्यूड सा शेड बीचों बीच अप्लाई करूँगी, ये सटल हो जाए। एंड एज यू कैन सी दिस लुक्स सो डैम गॉर्जियस। गाइज आपको थोड़ी थोड़ी करके आवाज़ सुनाई दे रहा होगा क्योंकि घर में काम है एंड मैं इस टाइम पे किसी को नहीं बोल सकती कि आप चुप रहो क्योंकि मेरी शूट चल रही है। तो आई एम ऑलमोस्ट डन विथ माई मेकअप। मेकअप के लिए और कुछ भी है नहीं तो मैं फुल रेडी होकर वापस आती हूँ एंड आप लोगों के साथ मेरी जो फाइनल लुक है वो शेयर करती हूँ। फिर आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ क्या नहीं। फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को आज का ये लुक तक वो पसंद आया होगा। और तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी शूट किया है, आप लोग यकीन नहीं मानोगे। मेरे सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलमोस्ट 8 लोग खड़े हुए हैं लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग टू शूट समथिंग कि ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। वॉट एवर इट इज, आज की वीडियो फिलहाल मैं यही पे एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए दिन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।